तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। और आज मैं आपको बहुत ही बेसिक से सिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज मैं आपको गुरु ऐप में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास गुरु ऐप नहीं है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप अपने गुरु ऐप में लॉगिन होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज दिखाई देगा। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर निफ्टी 50 दिखाई दे रही होगी, उसके साइड में यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी और उसके साइड में आपको फिन निफ्टी आपको दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है इसलिए हम यहाँ पर फिन निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो फिन निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सिंपल यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हो। तो सिंपल आपको यहाँ पर चार्ट देखने के लिए इस एरो पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर एरो पर क्लिक करोगे तो आपको सामने यहाँ पर फिन निफ्टी का चार्ट दिखाई देगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन खरीदने वाले हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर ऑप्शन खरीदने के लिए आप यहाँ पर बैक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर बैक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन चेन का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ऊपर की साइड पर भी आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपल यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन चेन ओपन होके आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन करके रखी है। और यहाँ पर आज 5 सितंबर यानी कि आज की डेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, तो यानी कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ही कम हो चुका है। तो ये जो 19,550 का जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम 50 पैसे के ऊपर चल रहा है, और ये 19,600 का प्रीमियम आप देख सकते हो 85-19 पैसे के आसपास यहाँ पर चल रहा है। तो एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करने का ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पर प्रीमियम बहुत ही कम होता है क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि अभी 12:44 हो चुके हैं, यानी कि हमें मार्केट क्लोज होने में 2 या 2.5 घंटे ही बचे, तो इसलिए इसका प्रीमियम बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप पैसे लगाते हैं तो आपके पूरे पैसे भी यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको यहाँ पर कई गुना यहाँ पर आपके पैसे भी हो सकते हैं क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्केट काफ़ी तेज़ी से अप या डाउन मूव करता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सिखाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि मार्केट का मूड डाउन ट्रेंड में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पर कॉल वाला ऑप्शन या और यहाँ पर पुट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अगर हम मार्केट नीचे के साइड में जाएगा तो हम यहाँ पर पुट वाला ऑप्शन खरीदते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि अभी फिन निफ्टी चल रही है 19,721 अभी चल रही है। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर ये इन द मनी वाला ऑप्शन हो गया, और इसके ऊपर जो आएगा वो आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन हो गया। एक्सपायरी के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा इन द मनी वाला ही ऑप्शन खरीदना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं 19,750 का ऑप्शन खरीद लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपल यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, डिलीवरी और इंट्राडे। तो हम यहाँ पर इंट्राडे सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें एक ही दिन में आज ही खरीद कर आज ही बेचना है। तो सिंपल यहाँ पर इंट्राडे सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वांटिटी, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर खरीद सकते हो। और इसके नीचे आपको यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इस ऑप्शन को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे लगने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1660 रुपये हमें इस ऑप्शन को खरीदने के लिए यहाँ पर लग रहे हैं, और हमारे पास बैलेंस है 2,621 रुपये हमारे पास बैलेंस है। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो सिंपल हमें ऑप्शन खरीदने के लिए यहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर यहाँ पर लग जाएगा। सिंपल यहाँ पर आप डन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर डन ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो आपका सीधा एक डैशबोर्ड पर लेके आएगा पोजीशन पे। तो आप यहाँ पर पोजीशन पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पर 19,750 का पुट खरीदा है, और अभी हमें यहाँ पर 4-5 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों हम इसे 3:25 तक होल्ड कर सकते हैं क्योंकि मार्केट 3:30 पर यहाँ पर क्लोज हो जाता है, यानी 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो उससे पहले हमें यहाँ पर अपने प्लान को एग्जिट कर देना होगा। तो हम इसे होल्ड करके रख सकते हैं, हम चाहे तो अभी भी इसे एग्जिट कर सकते हैं। तो सिंपल एग्जिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आपको एग्जिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपल यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर इसे एग्जिट कर सकती है। तो इस ऑर्डर को मैं कंटिन्यू करके रखूंगा, और 3:25 में मैं फिर से वीडियो ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक्सपायरी के दिन काफ़ी मार्केट तेज़ी से अप या डाउन होता है, तो हमें यहाँ पर या तो पूरा लॉस हो जाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी 3:14 हो चुके हैं, और हमने जो कॉल ऑप्शन खरीदा था 19,750 का जो पुट खरीदा था, तो हमें यहाँ पर देख सकते 1480 रुपये तक का हमें लॉस दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और प्रीमियम डिके होने की वजह से हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है।
दोस्तों हमने जो पुट ऑप्शन खरीदा था उस समय उसका प्रीमियम चल रहा था 37.85 पैसा, और अभी उसका प्रीमियम चल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो 55 पैसा, यानी कि प्रीमियम पूरा डिके हो चुका है, जिसके वजह से हमें यहाँ पर 1400 रुपये तक का लॉस दिखाई दे रहा है। और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट जैसे ऊपर की तरफ जा रहा था तो हमने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया, 19,750 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया, यानी कि हमारे यहाँ पर 0-0 भी ट्रेडिंग हो सकती थी, लेकिन मार्केट बीच में ही रह गया, इसलिए इसका प्रीमियम यहाँ पर डिके हो गया। जिस वक्त हमने इस कॉल को बाय किया था उसका प्रीमियम चला था 20 रुपीज़, तो अभी इसका प्रीमियम चल रहा है 3.14 पैसा, तो इसका प्रीमियम भी अभी डिके हो चुका है। तो एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करने का यही होता है, या तो आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देगा, या फिर आपने जो कैपिटल यूज़ किया है वो पूरा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें 2122 रुपये तक का हमें यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है। तो इसे हम 3:25 पे एग्जिट कर देंगे और मार्केट इसी साइड में रह जाएगा, यानी कि हमारा जो है आज लॉस हो चुका है। तो दोस्तों आपको हमेशा एक्सपायरी के दिन ध्यान रखना है, आप जो कैपिटल लगाने वाले हो या तो ये जीरो हो जाएगा या फिर वो कितना बढ़ेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।